we are reading first chapter of flamingo book the name of the chapter is the, list, the last lesson written by alphonse dodd we had completed from page number 2 to 7 and today we have to start from the third paragraph of page number 7 but before that i want to explain you the quick summary of the explained paragraphs let's have a quick summary of the explained paragraph द स्टोरी द लास्ट लेसन डील्स विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड द पेन दैट इज इन्फ्लेक्टेड ऑन द पीपल ऑफ एलेसिस एंड लोरेन बाई प्रसियंस स्टोरी जो लास्ट लेसन है इस स्टोरी का जो मेन थीम है उसमें है लैंग्वेज इम्पोजिशन की जो पीपल ऑफ एलेसिस और लोरेन है उनके ऊपर जो प्रसियंस हैं वो अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं दे हैव टेकन अवे द राइट टू स्टडी और टू स्पीक दियर ओन लैंग्वेज और प्रसन्न ने क्या किया है कि एलेसिस और लोरेंट के लोगों की जो एक उनका अधिकार है उनका जो राइट है पढ़ाई का और उनकी अपनी लैंग्वेज को बोलने का उन्होंने उनका अधिकार ले लिया है फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग नाउ द स्टोरी सीन द सीन ऑफ दिस स्टोरी ओपन्स व्हेन फ्रेंच वाज गोइंग टू स्कूल इस कहानी का सीन वहाँ पर ओपन होता है जब फ्रेंच क्या होता है स्कूल जाता होता है और फ्रेंच जो है स्कूल के लिए लेट होता है ही वॉज ऑफरेड ऑफ बींगड बिकॉज एम हेमल हैड आस्ड हीम टू प्रिपेयर पार्टिसिपल वो बहुत ही डरा होता है क्योंकि मिस्टर एम हेमल जो उसके टीचर है उन्होंने उसको पार्टिसिपल दिया था होमवर्क में और अभी जो है उसका जो है कुछ भी प्रिपेयर नहीं है एंड ही इज़ बीग स्कॉल्डेड ही इज गोइंग टू बी स्कॉलडेड बाई हिज टीचर एंड ही इज ऑफरेड ऑफ दैट थिंग फ्रेंड जो है उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ऑन ईज वे टू स्कूल एट द टाउन हॉल फ्रेंड्स नोटिस अ गैदरिंग ऑफ पीपल नियर द बुलेटिन बोर्ड और जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में टाउन हॉल पर उसने देखा कि कुछ लोग जो है बुलेटिन बोर्ड पे गैदर्ड थे इट मीनस सम फ्रेश ऑर्डर फ्रॉम द प्रसियन और जब भी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे तो इसका एकदम क्लियरली ये रीज़न होता था कि जो प्रसियन कमांडर है उसने कोई ना कोई जो है नोटिस भेजी हुई है फ्रेंड अनविलिंगली रीच द स्कूल फ्रेंड जो है बिना मन के स्कूल पहुंचता है मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है स्कूल जाने की लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है थ्रू द विंडो फ्रेंड्स ऑफ हिज क्लासमेट्स विंडो के थ्रू उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी जो है अपने प्लेसेस पे बैठे हुए हैं एंड मिस्टर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म और जो उसके टीचर मिस्टर एम हेमल है ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिस्स टेरिबल आयरन एक बहुत ही फिरोसियस जो बच्चों को काफ़ी देखने में डर लगती है आयरन रूलर या स्टिक जो होती है टीचर्स के हैंड में तो वो बच्चों को देख कर की डर लगता है तो मिस्टर हेमल भी जो है वो रूलर लिए हुए थे अंडर हीज़ आर्म एंड ही वॉज़ मूविंग इन क्लास रूम ओपन द डोर फ्रेंड्स ने डोर को ओपन किया एंड वेंट इन और अंदर गया ही ब्लस्ड वॉज आर सेम डॉफ बिंग लेट क्योंकि वह देर में गया था एंड वॉज फ्राइट एंड टू और डरा भी हुआ था एम एम एल टू गो टू हिस प्लेस एम एम एल ने उनसे बहुत ही जेंटली फ्रेंड्स से कहा कि जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ फ्रेंड्स नोटिस दैट हिज टीचर है नोटिस किया कि उसके टीचर ने अपना जो सबसे बढ़िया उनका जो सबसे फेवरेट क्लॉथ है उन्होंने उसको पहन रखा है यूजली ऐसे क्लॉथ जो है टीचर्स या जो है जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं दियर ऑन दर इंस्पेक्शन डे तो जो अच्छे क्लॉथ होते हैं या जो आ, एक गुड लुकिंग ड्रेसेस होते हैं वो किसी ओकेजन पे ही पहने जाते हैं तो जो मिस्टर हमल है वो एक अच्छे ड्रेस को पहने हुए थे द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज और जो विलेज पीपल थे वो अपने आ, वो भी जो है क्लास में बैठे हुए थे ऑन द बैक बेंचेज़ जो पीछे बेंचेज लगी हुई थी वहाँ पर वो बैठे हुए थे दे ऑल हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज फोटी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस वो सारे जो विलेजमैन थे वो सब आए हुए थे मिस्टर एम हेमल को थैंक अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए क्योंकि उन्होंने फोर्टी इयर्स एक स्कूल में सर्व किया बच्चों को एजुकेट किया तो उनको इस उनको उनके लिए वो थैंक यू बोलने के लिए आए हुए थे एवरीबडी लुक डे सैड सारे लोग बहुत ही सैड दिख रहे थे एंड ओल्ड हाउजर हैड ब्रॉड ओल्ड प्राइमर जो ओल्ड हाउज़र था वो एक ओल्ड प्राइमर लाया था प्राइमर क्या होता है कि दैट्स अ बुक ऑफ एल्फाबेट जो क्लास जूनियर क्लासेस में बताई जाती है एम हेमल सेट दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। एम हेमल ने बताया कि आज उनका यहाँ पर लास्ट लेसन होगा जो आज वो उन लोग को बताएंगे हैंस फोर्थ ओनली जर्मन वॉज टू बी in इन द स्कूल ऑफ and एंड लॉरिन और उसके बाद से फिर स्कूलों में जर्मन और जर्मन पढ़ाई जाएगी एलेस और लॉरिन के स्कूलों में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर सिर्फ जर्मन ही टीच की जाएगी और फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे और जो नया मास्टर होगा वो कल के दिन आएगा फ्रेंच फेल्ड सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हीज लेसन प्रॉपरली अब फ्रेंच को बहुत दुख होता है कि वो अपने फ्रेंच लेसन को जो उसको पढ़ना चाहिए था वो अच्छे से पढ़ नहीं पाया द आइडिया दैट एम एम एल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर रेटर फॉर गेट ऑल अबाउट द रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज जो जब उसको इस चीज़ का ख्याल आता है कि अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा तब इस आइडिया से जो है जो नरेटर मतलब फ्रेंच जो है वो जब इसको सोचता है तो हेमल के जाने को लेकर के वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो भूल जाता है उस, उनकी रूलर्स को रूलर मीन्स क्या होता है उनके स्टिक को उनके पनिशमेंट को एंड हाउ क्रैंकी ही वाज और कितने स्ट्रिक्ट वो थे उनके इन सारी चीज़ों को वो भूल जाता है एम हेमल हाउज फ्रेंच टू रिसाइड बट ही स्टूड देयर साइलेंट अब हेमल उससे कहते हैं कि वो पार्टिसिपल के बारे में बताएं लेकिन ही वॉज इस्टूड ही वॉज दे आर इस्टूड साइलेंट वो वहाँ पर जो है खड़ा हुआ था कुछ बोल नहीं रहा था द टीचर डिड नॉट इस कॉल्ड हिम टीचर ने उसको, उसको उस दिन डांटा नहीं ही कन्फेज दैट हीज पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ वर एट फॉल्ट और फिर मिस्टर हेमल ने कहा कि इस जो उसको कोई भी चीज़ें नहीं आई इसके लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं और फिर उन्होंने अपने आप को भी गलत ठहराया कि उन्होंने भी जो है अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाया और वो अपने आप को भी बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे देन ही टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की बात की और बताया कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ये संसार की सबसे अच्छी लैंग्वेज है द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल एंड इट इज़ बेस्ड इट इज़ वेरी रिजनेबल बहुत ही लॉजिकल है एंड ही आज देम टू प्रोटेक्ट इट अमंग देम एंड नेवर नवर इट और उन्होंने सारे जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स थे और जितने भी विलेजमैन थे सबसे उन्होंने कहा कि इसको जो है सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड इट शुड नेवर बी फॉगेटेड और ये लैंग्वेज कभी भी, भी भुलाई नहीं जानी चाहिए देयर वॉज द कीट उफ दियर प्रजेंट और यही उनकी जो है जो एक आ, स्लेवरी है उससे मुक्ति पाने का एक ये तरीका है यही उनको जो है फ्री कराएगी फ्राम ऑल द साकल्स जो भी साइकल्स हैं जो भी एक आ, स्लेवरी के बॉन्ड में वो लोग बंधने जा रहे हैं उससे वो यही लैंग्वेज ही उनको फ्री कराएगी क्योंकि इसी से लोगों के बीच में यूनिटी आएगी और जब लोग यूनाइट होंगे तो वो अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करेंगे और यही उनको फ्री कराएगी so this was all about the summary. let's start from page number 7. and uh, you have to look at the third paragraph. now let's read from the third paragraph. but before going through the explanation, i would like to ask you to take the pencil in your hand and note down the difficult terms of this chapter where you feel noting down. after the grammar, we had a lesson in writing that day. m. hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. फ्रांस एलेसिस फ्रांस एलेसिस ग्रामर लेसन के बाद हेमल जो क्लास टीचर हैं जो सब्जेक्ट टीचर हैं ही टॉट राइटिंग उन्होंने राइटिंग करना सिखाया बच्चों को एंड ही गेव देम न्यू नोटबुक्स और उन्होंने क्लास में सारे बच्चों को एक नोटबुक दी जिसमें क्या लिखा हुआ था फ्रांस एलेसिस फ्रेंस एलेसिस एंड इट वॉज रिटन राउंड एंड राउंड हैंड इट मीन्स इट वॉज रिटन इन करसिव राइटिंग तो जो भी कॉपी उन्होंने दी उसमें जो है कर्सिव राइटिंग में फ्रांस एलिसिस दैट वॉज रिटर्न एंड ही हैड गिवन ईच नोट बुक टू एवरी स्टूडेंट सारे स्टूडेंट को उन्होंने नोटबुक दिया एंड वर द वर्ड्स विच विटन देयर इट वॉज ब्यूटिफुली रिटर्न इन द नोटबुक दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अर डेस्क और द कॉपी जो उन्होंने दी हुई थी बच्चों को उसमें जो वर्ड्स थे वो इतने अच्छे ढंग से लिखे गए थे जैसे कि वो स्मॉल फ्लैग्स दिख रहे थे एलिसिस और लोरियन के जैसे स्मॉल फ्लैग्स की तरह से वो दिख रहे थे क्योंकि उन सभी में जो है फ्रेंच मतलब फ्रांस एलिसिस फ्रांस एलिसिस ये सारे वर्ड्स लिखे हुए थे तो बिल्कुल एकदम फ्लैग की तरह से दिख रहे थे एंड एवरी स्टूडेंट दैट नोटबुक तो ये क्या था कि दैट वॉज एवरीवेयर इन द क्लास रूम और क्लास रूम में सारे बच्चों के पास था तो ऐसा लग रहा था जैसे सब ने अपने हैंड में एक फ्लैग लिया है जिसमें फ्रांस एलिसिस फ्रांस एलिसिस लिखा हुआ था और ये जो वर्ड्स हैं ये कर्सिव राइटिंग में लिखे हुए थे जो बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना था उसमें प्रैक्टिस करनी थी सो हियर इन दिस इन दीज लाइन्स ऑथर इज़ ट्राइंग टू से दैट एवरीबडी फेल्ट सो डिवोटेड एंड सो अटैच्ड टू दियर कंट्री एंड टाउन उस कंट्री और टाउन को लेकर के बहुत ही लोग अटैच्ड फील कर रहे थे और अपने आप को बहुत ही इमोशनल uh, फील कर रहे थे यू ऑर्ट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर सेट टू मीन्स क्या होता है कि टू बिगिन एन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड सेट टू सो फ्रेंच कॉन्टिन्यूज टू थिंक फ्रेंच जो है वो लगातार सोचे जा रहा था एंड uh, उसने देखा कि वन शुड हैव सीन दैट एवरीबडी स्टार्टेड राइटिंग अर्नेस्टली उसने देखा कि क्लास में सभी बहुत ही कीनली बहुत ही अर्नेस्टली बहुत ही क्यूरोसिटी के साथ सब सीख रहे हैं उसको लिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली लिख रहे हैं एंड दैट वाज सो इम्प्रेसिव बहुत ही इंप्रेसिव था क्लास में इट वाज वेरी क्वाइट इन द क्लास क्लास में बिल्कुल शांति थी एंड नोबडी वाज टॉकिंग ऑन दैट डे कोई भी बात नहीं कर रहा था इन जनरल क्या होता है कि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं क्लास में बट ऑन दैट डे एवरीबडी वॉज सो सीरियस एंड एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू राइट वेरी नीटली एंड ब्यूटिफुली और बहुत ही अर्नेस्टली सब जो है लिख रहे थे एंड दैट सीन वाज सो इम्प्रेसिव एंड वन कुड हीयर साउंड ऑफ पेन राइटिंग ऑन पेपर कोई भी जो है एनी वन कुड हीयर साउंड ऑफ पेन राइटिंग ऑन द पेपर सब लोग जो है पेपर पर जिस तरह से लिख रहे थे उसकी साउंड आसानी से सुनी जा सकती थी वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस

एंड फ्रेंच वॉन्डर्ड की जो है क्या जो प्रसियंस हैं क्या जो पीजन की एक बोलने की जो उसका मीडियम है बोलने का क्योंकि वो फ्रांस में रहता है तो वो भी जो है अपने आवाज़ में जिस तरह से बोलता है क्या जो पर्सियंस आएंगे वो इस पीजन की भी आवाज़ को चेंज कर देंगे क्या उसको भी वो जर्मन बोलना सिखाएंगे ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट तो दिस लाइन इज अ सटायर फॉर प्रसियन वो एक सटायर यूज़ कर रहा है कि क्या वो यहाँ के पशु पक्षियों की भी बोली चेंज कर देंगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ सटायर वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट एनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम सो गेजिंग मीन्स क्या होता है स्टेयरिंग और लुकिंग तो वेन एवर फ्रेंड्स जो है वो ऊपर देखता था तो वेन फ्रेंड्स अप ही नोटिस दैट आई एम हेम वॉज सिटिंग इन हिज चेयर वो बैठे हुए थे अपनी चेयर पर और ही वॉज नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट ही वॉज मोशन लेस एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट एवरी थिंग इन द क्लास रूम वन बाई वन और जितनी भी क्लास रूम में चीजें लगी हुई थी वो एक एक करके देख रहे थे उन सारी चीज़ों को ऐसा लग रहा था कि एम हेमल वॉज ट्राइंग टू सी हाउ थिंग्स लुकड इन द क्लासरूम जैसा लग रहा था कि वो मतलब देख रहे थे कि क्लास में ये जो चीज़ें हैं कैसे दिखती हैं उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे इट मीन्स दैट एम हैड बिकम इमोशनल एंड ही फेल्ट अटैच्ड टू एवरी थिंग इन द क्लासरूम कि वो क्लास रूम में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं फैंसी फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस विथ हीज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम तो फ्रेंड्स जो है आगे बताता है ही वॉज कॉन्टिन्यू टू थिंक वो सोच ही रहा है इमेजिन कर रहा है कि देखो एम हेमल जो है ही हैड बिन इन द सेम क्लास रूम फॉर फोर्टी ईयर्स इसी स्कूल में इसी क्लास रूम में वो फोर्टी ईयर्स उन्होंने टीचिंग की है और बाहर उन्होंने क्या किया हिज गार्डन वॉज आउटसाइड द विंडो और उनका जो गार्डन है वो भी बाहर है इस क्लास के बाहर उनका गार्डन है एंड हिज क्लास वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम और उनकी क्लास जो है उसी गार्डन के सामने उनकी क्लास होती है ऑल आर सिटी स्टिल एट द सेम प्लेस सभी जो है आज उसी सेम प्लेस में हैं जस्ट लाइक दैट जैसे कि मतलब हमेशा रहते हैं वैसे ही सब लोग आज हैं ओनली द डेस्क एंड हैड बीन वॉर्न Smooth the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Hop vine kya hota hai ki a type of creeper, और twined around means क्या होता है circled around, जैसे कि जो uh, creepers होते हैं वो क्या होते twined around होते हैं, circled होते हैं, uh, wall के support से जो है वो आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स डिस्क्राइब करता है कि व्हाट आर द चेंजेस इन द लास्ट फोर्टी इयर्स जब उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी और अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इज कंपेयरिंग दैट वन ओनली कि उसने बताया कि लास्ट फोर्टी इयर्स में जो बेंचेज हैं और जो डेस्क हैं दैट हैड वॉर्न आउट वही जो है थोड़े से फर्नीचर जो है पुराने हो चुके हैं एंड डीज वर स्मूथ नाओ जब पहले फ्रेश जो फर्नीचर बनता है तो उतना स्मूथ नहीं होता है लेकिन बच्चों के बार बार यूज से जो फर्नीचर्स हैं वो वॉनआउट हो चुके हैं पुराने हो चुके हैं और स्मूथ हो चुके हैं जो वॉलट ट्रीज है दैट हैज बिकम टॉलर वो भी जो वॉलट ट्रीज है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है जब उन्होंने लगाया था तो वो एक बेबी प्लांट था नाव इट हैज बिकम टॉलर एंड हेमल हैड प्लान्टप वॉइंस इन हिज गार्डन अपने गार्डन में उन्होंने हॉप वॉइन प्लांट की है एंड डीज हैड ग्रोन और वो सारी जो हॉप वाइन है वो सब ग्रोन हो चुकी हैं बड़ी हो चुकी हैं दीज हैड टेकन सपोर्ट ऑफ विंडोज टू क्लाइंब अप टू रूफ और वो जो क्रीपर प्लांट है हॉपइन है दैट हैड टेकन द सपोर्ट ऑफ वॉल एंड विंडोज़ एंड इट हैड क्लाइंब अप टू द रूफ और वो रूफ तक जो है चढ़ चुकी है नथिंग एल्स हैड चेंज और कुछ भी यहाँ पर बदला नहीं है बस ये जो प्लांट उन्होंने ग्रो किए थे वो सब बड़े हो चुके हैं और फर्नीचर जो है वॉनआउट हो चुके हैं और स्मूथ हो चुके हैं विद द यूज ऑफ फोर्टी ईयर्स हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन his हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन टू hear his सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे ब्रोकन his हार्ट मीन्स क्या होता है कि फीलिंग वेरी सैड एंड ट्रंक दैट इज अ काइंड ऑफ सूट केस या हम बॉक्स कह सकते हैं मेड ऑफ आयरन तो फ्रेंड्स जो है ही कॉन्टीन्यूस टू थिंक दैट एम हैमल्स अब ऐसा मतलब मतलब दिख दिख तो रहा ही है कि एम हैमल्स जो इधर उधर देख रहे हैं लेकिन अब ये जो है ये फ्रेंड्स का एक स्पेकुलेशन है कि वो आ, मिस्टर हमल को देख करके वो इस तरह से मतलब देख रहा है कि शायद हम के अंदर ऐसी ही कुछ ना कुछ जो है एक इमोशन की फाइट चल रही होगी वो ऐसी चीज़ों को सोच रहे होंगे बिकॉज ही इज़ वेरी टस्ड विद द फर्नीचर्स एंड द स्कूल क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फोर्टी ईयर्स पास किया है तो फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूज टू थिंक दैट हैमल्स हार्ट मस्ट बी फीलिंग वेरी सैड टू गो अवे सिस्टर वॉज डूइंग पैकिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर और उनकी जो बहन थी वो पैकिंग कर रही थी एंड ही कुड हीयर ऑल द साउंड ऑफ पैकिंग जिस तरह से वो बॉक्स uh, में चीज़ों को रख रही थी तो उसमें जो भी पैकिंग की आवाज़ आ रही थी ही कुड हीयर दैट वो साउंड को सुन सकता था बिकॉज दे व लिविंग द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि वो जो है कंट्री को छोड़ रहे थे नेक्स्ट डे जा रहे थे वहाँ से But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bi bi bo bu. So, chanted means keyote, Recited or sang? तो फ्रेंड्स ने ये डिस्क्राइब किया कि फ्रेंच वाज वेरी सैड बट ऑन दैट डे ही लिसन टू ऑल द लेसन फ्रेंच जो है उस दिन बहुत ही सैड था और फिर भी वो सारे लेसन को सुन रहा था जो भी वहाँ पे क्लास टीचिंग जो भी हो रही थी क्लास में जो टीचिंग हो रही थी वो उसको सुन रहा था टिल दियर एंड उसके बिल्कुल अंत तक फ्रेंड्स ने बताया कि जो है ही हैड सोड ही करेज उसने जो है अपना बहुत ही करेज दिखाया बहुत ही साहस दिखाया उस दिन में क्योंकि वो बहुत ही अटेंटिवली जो है क्लास को डील कर रहा था अटेंटिवली क्लास को अटेंड कर रहा था एंड आफ्टर लेसन ऑफ राइटिंग जब राइटिंग का लेसन खत्म हुआ फिनिश हुआ तो एम हेमल टॉर्ड देम हिस्ट्री लेसन तो एम हेमल ने उन लोगों को हिस्ट्री बताई उन्होंने फ्रेंच में हिस्ट्री को पढ़ाया आफ्टर दैट स्मॉल किड्स देवर रिसाइटिंग द रम फिर वो जो है जो छोटे बच्चे थे वो अपने रॉम्स को रिपीट कर रहे थे राइम्स रिसाइड कर रहे थे डाउन देअर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद डेम यू कुट सी दैट ही टू वॉज क्राइंग तो जो ओल्ड हाउजर था वो भी क्लास में बैठा हुआ था एंड ही हैड अ ओल्ड प्राइमर तो फ्रेंड्स ने डिस्क्राइब किया कि जो हाउजर था ही हैड अस्टर हाउज़र ये हाउज़र जो है कैपिटल uh, में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन सो मिस्टर हाउजर हैड पुट ऑन हीज इस्पेक्टिकल्स उन्होंने अपने आँखों में चश्मा लगाया हुआ था एंड ही हैल्ड इज़ बुक ऑफ प्राइमरी क्लास और उनके हाथ में प्राइमरी क्लास की बुक थी इन हीज बोथ हैंड्स दोनों हाथों से उन्होंने किताब को होल्ड किया हुआ था एंड ही वॉज ट्राइंग टू रिसाइड स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स और वो अप जो उनकी बुक थी उसमें वो रिसाइड कर रहे थे और वर्ड्स को स्पेल कर रहे थे एंड ही वॉज़ क्राइंग

तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप रोते रहिए तो जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही क्लियरली नहीं आते हैं तो जो ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे क्लास में वो रो रहे थे और रोते हुए वो रीडिंग कर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा आ, मतलब उनकी जो वॉइस थी दैट वाज़ वेरी फनी दैट वाज़ वेरी डिफरेंट मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे लोग बोलते हैं उस तरह से जो है आवाज़ नहीं निकल रही थी उनकी रोने की आवाज़ आ रही थी है ना ही वॉज़ फुल ऑफ इमोशन एकदम जो है इमोशन में थे और रो रो के पढ़ रहे थे तो हिज वॉइस वॉज़ वेरी फनी उनकी वॉइस जो है बहुत ही डिफरेंट थी बहुत ही फ़नी लग रही थी सुनने में एवरीबडी इन द क्लास रूम वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई उनकी आवाज़ सुन के जो है सभी लोग हंसना चाह चाहते थे और उनकी क्योंकि रोने वाली जो आवाज़ आ रही थी उसको बहुत ही डिफरेंट लग रही थी तो क्लास रूम में एवरीबडी वॉन्टेड टू लाफ एंड दिस वॉज द मीन्स एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड इमोशन लोगों के अंदर एक मिक्स इमोशन था सीखने का भी मतलब एक उनको था कि उनको फ्रेंड सीखना भी है इमोशनल भी हो रहे थे और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी कर रहे थे और जब कभी ऐसी चीज़ें हो रही थी उन सबके बीच में तो सबको हंसी भी आ रही थी तो फ्रेंड्स रिम्बर्ड हिज लास्ट लेसन फ्रेंड्स ने जो है ये अपने इस लास्ट लेसन को उसने काफ़ी ज़्यादा याद किया ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक ट्वेल्व देन द एजल्स At the same moment, the trumpet of the Presians returning from drill sounded under our windows. am hemmel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. All at once means क्या होता है, suddenly और angelus ये क्या होता है कि prayer at church, church पे जो prayer होती है और trumpets means क्या होता है कि bugles जो आवाज होती है, trumpet सहनाई की, उसे bugle भी बोलते हैं and look tall means क्या होता है, look confident. तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि सडनली जब इट वाज ट्वेल्व ओ क्लॉक बाई द क्लॉक एट चर्च जब चर्च की क्लॉक पर जो है ट्वेल्व ओ क्लॉक हुआ तो प्रेयर्स स्टार्टेड एट चर्च तो चर्च पे प्रेयर शुरू हो गई एंड प्रसियन सोल्जर्स दे वर रिटर्निंग फ्रॉम दियर एक्सरसाइज प्रसियन जो सोल्जर्स थे वो अपनी एक्सरसाइज से रिटर्न हो रहे थे बिकॉज दे वर डूइंग द मार्च पास और मार्च पास की प्रैक्टिस करने के बाद वो वापस हो रहे थे एंड दियर बुगुल मेड साउंड नियर द विंडो ऑफ क्लास रूम और जो उनके बिगुल थे जो उनकी ट्रम्पेट की आवाज़ थी वो बिल्कुल क्लास रूम से क्लियरली सुनी जा सकती थी एकदम उसी से बिल्कुल उसके पास से ही वो जा रहे थे और उनकी ट्रम्पेट की आवाज़ सुनी जा सकती थी एम हेमल गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर एम हेमल जो है अपनी चेयर से उठ गए एंड ही वॉज लुकिंग येलो और उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और बहुत ही इमोशनल वो लग रहे थे ही अपियर्ड वेरी कॉन्फिडेंट और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होकर खड़े हुए थे माई फ्रेंड सेड ही आई आई बट समथिंग चोकड हिम ही कुड नॉट गो ऑन हेमल जो है ही वॉज ट्राइंग टू से समथिंग वो कुछ कहना चाह रहे थे और उन्होंने स्टार्ट किया माई फ्रेंड्स दोस्तों स्टार्ट किया बट समथिंग स्टॉप लेकिन फिर उनका बिल्कुल गला भराया और वो बिल्कुल बोल नहीं पाएड कॉन्टिन्यू और वो बिल्कुल भी कॉन्टिन्यू नहीं कर सके देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड पीस ऑफ चौक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कु टेकिंग सपोर्ट और माइट मीन्स क्या होता है पावर या स्ट्रेंथ और वी फ्रेंस मीन्स क्या होता है लॉन्ग लिव फ्रांस तो फ्रेंड्स आगे डिस्क्राइब करता है कि जो मिट्टर है सपोर्ट ऑफ ऑल हिस पावर पूरे अपने पावर के साथ में पूरी अपनी शक्ति के साथ में उन्होंने लिखा लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस वी वे फ्रेंस तो वी वे फ्रेंस उन्होंने लिखा एंड ही रोट इन वेरी लार्ज वर्ड्स और उसको खूब बड़े बड़े वर्ड्स में उन्होंने लिखा देन ही स्टॉप एंड लीड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज साउंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो लीड मीन्स क्या होता है टू सपोर्ट और जेस्टर्ड मीन्स क्या होता है कि इंडिकेटेड विदाउट स्पीकिंग मतलब बिना कुछ बोले हुए हाथ से जेस्टर देना एक सिग्नल देना देट इज कॉल्ड जेस्टर्ड तो इसके बाद जब उन्होंने विवल्या उन्होंने लिखा लॉन्ग लि फ्रांस लिखा तब उसके बाद वो जो है स्टॉप्ड हो गए एम हिमवेल स्टॉप्ड एंड ही सपोर्टेड हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल और वो दीवार के सामने झुक कर के खड़े हो गए एंड विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड बिना कुछ बोले हुए ही इंडिकेटेड उन्होंने जो है बस एक इशारा किया कि स्कूल इज डिसमस्ड अब स्कूल डिसमिस हो चुका है नो यू मे गो ऑल यू ऑल मे गो अब आप सब जा सकते हो एंड ये जो उन्होंने एक इस तरह से उन्होंने बोला इट मीन्स वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे कि वो लोगों को कह नहीं पा रहे थे कि क्लास ओवर हो चुकी है इसलिए उन्होंने हैंड से एक जेस्टर दिया तो दैट इज सोइंग दैट हाउ इमोशनल ही वॉज ऑन दैट डे वो कितने ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे एंड हाउ ही डिसमिस द क्लास दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द स्टोरी एंड ऑफ द चैप्टर नाउ इफ यू वुड हैव एनी डी कन्फ्यूजन और एनी प्रॉब्लम देन यू विल ड्रॉप द मैसेज इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग इट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो Till that, stay safe and healthy.